यूपी के श्रावस्ती में हुआ समाधान दिवस का आयोजन, फरियादियों की शिकायतों का होगा समय से निस्तारण। बिहार के सीतामढ़ी में शराबबंदी को लागू करने को लेकर चलाया गया जांच अभियान, ढाबों पर छापेमारी कर शराबियों को पकड़ा। चिमनी व्यवसायी कमरुल होदा की गोली मारकर हत्या, बिहार के बेतिया का मामला। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के श्रावस्ती जिले के इकोना थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी गयी। ज्यादातर मामले खेतों से संबंधित आए, जिसमें मौके पर उपस्थित लेखपाल और कानूनगो को सौंप दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जांच अभियान चलाया गया। अभियान में जिलाधिकारी और एसपी सहित वरीय अधिकारी भी शामिल थे। होटलों ढाबों पर छापेमारी की गई और शराब एवं शराबियों को पकड़ा गया। बिहार के बेतिया जिले के गोपालपुर थाना अंतर्गत डकही पुल के पास अपराधियों ने व्यवसायी कमरुल होदा को गोली मारकर हत्या कर दी। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें बेतिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गोली मारला पर गिरल बड़े दोसर का गोली जान हाथ पर दोसर का गोली जमीन पर शॉट गेल बड़ा दोसर का गोली हाथ पर जाकर लग गई। कोई पहले से विवाद विवाद तो चलते रह गए। तीसर का घटना उनका पर भई बा, वही आदमी किया है उधर हुआ। उनका कोई नाम सब नाम तो हम नहीं बताएंगे, नहीं देखे हैं, वो देखे हैं तो बताएंगे। जी जी, आपका नाम? हमारा नाम नहीं सीख रहे। बैसाखो गए थे चिमनी के सामान बनवाने, दो तीन घंटा बाद बैसाखो से लौटे हैं। तब तक बाइक से पीछे से आए लोग डकही पुल के पास गोली चला दिया लोग, गोली लग गया। उसके बाद डकही के लोग खबर किया हम लोग को, तो हम लोग महमदवा से आए ले होकर बेतिया है। कौन पहले से दुश्मनी था क्या? क्या पहले से उनसे कोई दुश्मनी था? हाँ दुश्मनी था। गांव के पहले भी कभी हमला हुआ? हाँ, दो बार पहले भी हुआ, दो बार गोली चल रही। जी, आपका परिचय? मैं उनका साला हूँ, नसीम अख्तर। उनका नाम क्या पड़ेगा जिन्हें गोली? कमरुल होता। आपका नाम? नसीम अख्तर। घर? घर मामदवा। थाना? सिपटा। झारखंड के साहेबगंज उधवा प्रखंड के सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उधवा प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया गया कि 22 मार्च 2020 से अब तक प्राइवेट स्कूल बंद होने के कारण सभी शिक्षकगण की आर्थिक स्थिति काफी बदतर हो गई है। चौक बाजार एवं साप्ताहिक हाटियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव पूरे हुए और अन्य राज्यों में उपचुनाव भी हुए, इनमें हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। किसान विरोधी बिल को लेकर जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो रही है। इससे कोरोना का कोई खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ स्कूल खोलने से कोरोना का ज्यादा खतरा है। इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। लॉकडाउन के चलते जो है प्राइवेट स्कूल बंद है, हम सब जिसको लेकर हम लोग आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उधवा के सभी शिक्षकगण एकत्र हुए हैं और वीडियो को जो है ज्ञापन दिए। इसके माध्यम से हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं या विनती करते हैं कि झारखंड में प्राइवेट स्कूल को दोबारा खोला जाए। बात है कि झारखंड में जो पूरा लॉकडाउन है 22 मार्च से लेकर आज तक प्राइवेट स्कूल बंद है, जिसमें प्राइवेट शिक्षक का जो है आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो रही है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों जो है शिक्षा से बहुत दूर है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल खोला जाए। इनके अलावा आप लीजिएगा कि सिर्फ स्कूल में ही कोरोना है, ऐसा नहीं। इससे पहले पूरे राष्ट्र में देखिए कि बहुत जगह में जो है विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव भी हुआ, और अभी कृषि यानी किसान विरोधी बिल को लेकर जो है बहुत जगह धरना दी जा रही है। तो यहाँ भीड़ तो इकट्ठा हो रहा है और हर जगह में दुकानदार या हाट बाजार लग ही रहा है, यानी किस तरह का भीड़ से आप रुक नहीं रहे, तो फिर यहाँ स्कूल को क्यों बंद करके रखें? इसीलिए हम लोग वीडियो साहब को ज्ञापन दिए और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करें, केंद्र सरकार इस पर विचार करें और स्कूल को जल्द से जल्द खोलने की कृपा करें।
जी धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि सरकार क्या चाहती है, मतलब कि पूरी हिंदुस्तान में सब कुछ मतलब चल ही रहा है और स्कूल को बंद करके बच्चों की पढ़ाई को ठप करके क्या साबित करना चाहते हैं कि इससे कोरोना बंद हो जाएगी? अगर बंद हो जाती है तो आप वो दिखाइए और लोगों को समझाइए कि बच्चों में क्या मतलब की कमी है जो बच्चों को ही कोरोना पकड़ सकता है। और दूसरे मतलब के इलेक्शन हो रहा है उसमें करोड़ों करोड़ों आदमी एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और उसको कोरोना की भय नहीं है, स्कूल में बच्चे एकत्रित होंगे तो उसमें ही कोरोना हो जाएंगे, ये कहाँ का नियम है, कहाँ से आता है ये? इसीलिए हमारे सरकार से अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, वो बच्चों की लाइफ के बारे में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति दे। बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज भाजपा विधायक रश्मि वर्मा एवं इनरवा थाना क्षेत्र के व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले अपराधी अमीर खुसरो को पुलिस ने देसी कट्टा कारतूस एवं रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रंगदारी मांगने वाले सातिर अपराधी अमीर खुसरो को चुरीहारवा टोला थाना मुफ्ती को धर दबोचा। अलग अलग तिथि को दो अलग अलग नंबरों से रंगदारी का कॉल आया था, जिसमें प्रथम वाले मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए उसके जो धारक हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। लेकिन उस समय भी हम लोगों को शक हुआ था कि ये मामला इतना सिंपल नहीं दिख रहा था, तो इसलिए उसी समय से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और ज़िले के जो और भी जो टेक्निकली एक्सपर्ट जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सम्मिलित करते हुए एक टीम बनाई थी और इस पर लगातार काम कर रही थी। और इसी बीच दूसरी बार भी रंगदारी का कॉल किया गया था, इसके भी धारक को डिटेन किया गया था, लेकिन चूँकि पूर्व में हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो धारक है वो कॉल नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो अतः इससे पूछताछ करके और इसके आधार पर भी कुछ हम लोगों को क्लू भी मिला था और उधर टेक्निकली भी हम लोग काम कर रहे थे, तो उसी क्रम में सारा इन्फॉर्मेशन जुटाते हुए फाइनली जो वास्तविक क्रिमिनल है जो जिन्होंने रंगदारी मांगा था वो उनको पकड़ लिया गया है और वो मोबाइल भी बरामद कर ली गई है जिससे रंगदारी मांगा गया था, और इवन कि उस मोबाइल में जो ऐप का प्रयोग किया गया था जिसके थ्रू नंबर बदला जा रहा था वो ऐप में कॉल लॉग में भी माननीय विधायक का नंबर मौजूद था, तो उस इस तरह से वो जो मेन जो एक्सटॉर्शन मांगने वाला व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा और दो कारतूस भी बरामद किया गया है जिनको मुफस्सिल थाने में केस दर्ज करके जेल फॉरवर्ड किया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है। और इसी कड़ी में पूर्व में भी एक इनरवा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें रंगदारी मांगी गई थी, वो केस में भी रंगदारी मांगने वाला यही व्यक्ति था, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने कन्फेशन में कबूल भी किया है और जो टेक्निकली साक्ष्य भी मिला है वो भी कंफर्म इशारा करता है कि रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति यही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के समेदा में एक दहेज लोभी को रुपया सोने की चेन और सामान नहीं मिलने पर बारात लेकर वधु पक्ष के दरवाजे पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद वधु पक्ष सुबह वर पक्ष के घर आ धमके। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में लाई और समझौते का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि शादी में 1,30,000 रुपये नकद के रूप में तय हुआ था। वधु पक्ष ने वर पक्ष को 1,00,000 रुपए शादी की रस्म से पहले ही दे दिया, 30,000 रुपया बाकी था जिसे वधु पक्ष ने शादी में देने को वादा किया था। हमारा नाम रेनू है। क्या पूरा मामला है, आप लोग खाने पे आए थे? हमारे घर पे शादी हुई थी, 11 तारीख को बारात जाने वाली थी आजमगढ़ से, हम बेटकर नगर में, इन लोगों ने तमन ले दहेज के कारण बारात लेकर गए नहीं, गाड़ी मांग रहे थे, मैंने
वो गाड़ी बोल रहे अब नहीं चाहिए, गाड़ी के पैसा मांग रहे थे। हमारे ससुर जी बोले कि आओ माड़ो में हम तुम्हें गाड़ी का पैसा देंगे, तो वो लोग बोले कि वो नहीं, हमें 8 तारीख की चाहिए पैसा, 8 तारीख लेकर नहीं आओगे तो हम शादी तोड़ देंगे, हम शादी नहीं करेंगे। इसी वजह से हम सब थाने में आए हैं, रिपोर्ट हमने डाला है, इसलिए हम ये शादी अब नहीं करेंगे। जब तक ये सब हमारा भरपाई नहीं भरेंगे, हम सुलह भी नहीं करेंगे। कितना पैसा आप लोगों ने दिया था? 1 लाख रुपये हमने इनको दे चुके हैं। हाँ, हमारा सर सामान हर एक चीज़ बेड हमारा, हमने 1.5 क्विंटल का मछली का दाम भी हमने बयाना किया है, हमारा बेड भी नुकसान हुआ, हर एक चीज़ हमारा घर पर पड़ा है, ये सब हमें देंगे तभी हम सुलह करेंगे। थाने पे तो क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन? अभी सुलह नहीं हुआ है, देखो साहब क्या करते हैं। क्या लगते हैं आप? ये हमारी नंद लगती हैं, हम उनकी भाभी बोल रहे हैं। किस गांव में शादी हुई? अम्बेडकर नगर में, यहाँ आजमगढ़ में। आजमगढ़ में किस गांव में? भरथई। बबीता, मेरा नाम है बबीता, मैं मेरा घर मामला यही है कि जो है कि ये लोग दहेज के कारण बारात लेकर नहीं आए हैं। कब शादी? कल 11 तारीख बारहवा महीना 2020 को दिन शुक्रवार। बारात कहाँ से आनी थी? अम्बेडकर नगर से आने, आजमगढ़ से जाने वाले थे अम्बेडकर नगर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यही कि वे लोग दहेज के कारण बारात लेकर नहीं आए। मांग कर रहे हैं यही थी कि अगर डबल बेड नहीं लेके आओगे तो तुमको हम मारेंगे, अगर ये चैन नहीं दिलाओगे तो तुमको हम बहुत मारेंगे। हमें बार 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 धमकी दे रहे हैं। गाड़ी मांग रहे थे, फिर गाड़ी का पैसा मांग रहे हैं। पिताजी मेरे बोले कि आओ तुम्हें घर पे हम पैसा देंगे। हाँ, पैसा लिए हैं। हाँ, अब तक कितना पैसा तुम्हारे ससुराल वाले, होने वाले ससुराल वाले पैसा लिए हैं? 1 लाख। समाचार लगातार में अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।